हेलो हेलो सर, मेरा नाम रिया है। मैं एबीसी फाइनेंस से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर, हमारी कंपनी आपको एक लोन ऑफर कर रही है, तो क्या आपको लोन की ज़रूरत है? हाँ है। सर, आपके पास ज़मीन या कार है? ज़मीन या घर तो नहीं, लेकिन एक कार ज़रूर है मेरे पास। अच्छा, ओके सर, हमारी कंपनी आपको कार पर लोन ऑफर कर रही है। कार खरीदने के लिए लोन मिलता है ये तो सुना था, लेकिन कार पर लोन मिलता है ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मनोज की तरह आप भी चक्कर खा गए ना कि क्या पुरानी कार पर लोन मिल सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। ये उसी तरह है जैसे कि आप प्रॉपर्टी गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं ना, वैसे ही आप कार के बदले भी कर्ज ले सकते हैं। इसे कहा जाता है लोन अगेंस्ट कार। आपकी पुरानी कार आपके लिए गारंटी बनती है। लेकिन कब और कैसे ये लोन मिलता है, लोन लेने का ये विकल्प कितना सही है और कब इस तरह का लोन ले सकते हैं, लोन के रूप में कितनी रकम मिल जाएगी, इन सारे सवालों का जवाब समझिए हमारे साथ। कार के एवज में लोन यानी लोन अगेंस्ट कार, ये एक सिक्योर्ड लोन है जहां आपकी गाड़ी कोलैटरल यानी एक तरह से गारंटी के रूप में काम करती है। लोन की प्रोसेसिंग आसान है, जल्दी पूरी हो जाती है, जो इसे इमरजेंसी में पूंजी जुटाने के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है। 21 साल से ऊपर और 70 साल से कम उम्र के लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक और NBFC कार के एवज में लोन की पेशकश करते हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर या फिर सीधे बैंक जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद वित्तीय संस्था की ओर से कार का वैल्यूएशन निकाला जाता है। आमतौर पर कार की वैल्यू का 50 से 150% तक कर्ज मिल सकता है। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए मनोज अपनी कार पर लोन लेते हैं तो बैंक उनकी कार की वैल्यूएशन कराएगा। उनकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए निकलती है तो मनोज को 2.5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। हर बैंक अपना एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन रन करता है, तो जहां पर एक इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर आता है और आपकी कार को इवैल्यूएट करके आपको बताता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट इस कार के अगेंस्ट में दिया जा सकता है, या फिर बहुत सारे बैंक्स में ये प्रोसेसेस काफी ऑटो प्रोसेस है जहां पर वो ये देखते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है, कौन सा वर्जन है और कितने साल चली हुई है, उसको देखते हुए एक कीमत उसकी निर्धारित की जाती है। फिर जो भी वो अमाउंट आएगा उसके अगेंस्ट में 50-60% के आसपास उस वैल्यू के वैल्यू जो आई है उसके अगेंस्ट में लोन दिया जाता है। कर्ज की रकम का फैसला करते वक्त बैंक या NBFC आपकी कमाई, मौजूदा समय में चल रहे लोन की टाइम पर अदायगी और क्रेडिट हिस्ट्री जैसी चीजें भी खंगालते हैं। कर्ज चुकाने की अवधि 12 महीने से लेकर 84 महीने होती है, कुछ मामलों में यह ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा वित्तीय संस्थान 1-3% तक प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं, और तो और लोन अवधि से पहले लोन चुकाने पर आपसे फोरक्लोजर चार्ज भी मांगा जा सकता है। कार के बदले कर्ज के मामले में ब्याज दर आमतौर पर करीब 14% से लेकर 18% तक जाती है। IDFC फर्स्ट बैंक की ब्याज दर करीब 14.49% है और वहीं HDFC बैंक की दर 13.75% से शुरू हो रही है। HDFC बैंक के पर्सनल लोन के मुकाबले 2% कम दर पर कर्ज देने का दावा करता है। अलग अलग वित्तीय संस्थाओं की ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। जरूरत के वक्त में किसी एसेट के बदले कर्ज लेना अपने गोल आधारित निवेश को तोड़ने से ज्यादा बेहतर माना जाता है। इमरजेंसी के केस में मेरा ये मानना है कि पहली बात तो आपको हमेशा अपनी लिक्विडिटी मैनेज करके रखनी चाहिए कि पहले इससे पहले कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या कोई भी लोन या कोई भी कमिटमेंट स्टार्ट करें, अपने 6 महीने का एक्सपेंडिचर जो है आप लिक्विडिटी के तौर पर बिल्ड करें, जिससे इस तरीके की समस्याएं ना आए। क्योंकि लोन के साथ में इमरजेंसी मीट करना ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ये आपको एक डेट ट्रैप जैसी सिचुएशन में फंसा सकता है। पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है और ये कार लोन जो है सिक्योर्ड लोन है। दोनों में जो आर्बिट्राज है, मतलब अगर मैं इंटरेस्ट का कॉस्ट का गैप देखूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो या तो ऐसा हो कि पर्सनल लोन आपको जैसे 12-13% पे मिल रहा है और कार लोन 10% पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कार अगेंस्ट लोन जो है बेटर विकल्प बनता है। लेकिन अगर कार अगेंस्ट लोन भी 11% पे और पर्सनल लोन 12% पे है, तो मुझे लगता है कि 1% के लिए हमें इतनी इस तरीके के लोन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर 10 साल से कम पुरानी कार पर ही लोन दिया जाता है। गाड़ी इससे ज्यादा पुरानी होने पर लोन देने से मना किया जा सकता है।
अगर आपके पास सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां नहीं हैं, तो भी लोन नहीं मिलेगा। जिन गाड़ियों के मॉडल आना बंद हो चुके हैं, उनके लिए भी बैंक कर्ज देने से इनकार कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल यानी पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर भी लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर किसी का ऑलरेडी कार लोन चल रहा है तो क्या वो इस तरीके के लोन के एलिजिबल होगा? तो जवाब है हाँ। ये डिपेंड करता है कि जब आपने कार लोन लिया था तो आपका उसमें कितना कंट्रीब्यूशन था और उसके बाद आप कितना लोन प्रीपे कर चुके हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने बोला कि इस केस में 50-60% जो आज की मार्केट वैल्यू है उतने का ही लोन सैंक्शन होता है। तो मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदी जिसकी आज की वैल्यू 5 लाख रुपए है और आपका एग्जिस्टिंग लोन 3 लाख रुपए का है, तो आपको शायद कार अगेंस्ट लोन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपए की है। लेकिन आपकी गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है और अब आपका सिर्फ लोन 1 लाख रुपए बचा हुआ है, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का कार अगेंस्ट लोन मिल सकता है। तो बैंक ये देखेगी कि जो एग्जिस्टिंग लोन है प्लस जो आपकी ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर वो कितना गैप है, उसके हिसाब से आपके लोन्स का अमाउंट डिफाइन होगा। लोन अगेंस्ट कार किस चिड़िया का नाम है ये तो मनोज समझ गए, लेकिन एक सवाल परेशान कर रहा है, ये सवाल आपका भी हो सकता है कि जब आपकी कार पर लोन बैंक आपको देगा तो क्या गाड़ी भी बैंक ले जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आप जब तक लोन की किस्त चुकाते रहेंगे तब तक गाड़ी आप ही चलाएंगे। मालिक बैंक है लेकिन आप चलाते रहेंगे गाड़ी। लेकिन हाँ, अगर किस्त नहीं चुकाई तो बैंक के पास गाड़ी जब्त करने का कानूनी अधिकार है। लोन अगेंस्ट कार के लिए आवेदन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आप अलग अलग वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों और रीपेमेंट की शर्तों को कंपेयर कर लें। बैंक से बात करके आप ब्याज दरों को भी निगोशिएट कर सकते हैं। तो देखिए कि आपको बेस्ट डील कौन सा बैंक या कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है। हड़बड़ी में कोई फैसला ना ले। पुरानी कार है और लोन अगर लेना है, आपकी जरूरत है, तभी लें। बस इसलिए लोन नहीं ले लें क्योंकि कार पर आपको लोन मिल रहा है।